So we will start today with the next part of post-war politics development, political development. This is the next part. We finished till this one. Okay, यहाँ तक हो गया था. ये abbreviation कर लेते CBACN जो थे. C for क्या था? Military power. B for bipolarization. A for क्या था? A for arms race था. C for creation of the regional organization और N for नाम था. नाम अलाइंड मूवमेंट. अभी पोस्ट कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स ये लास्ट टॉपिक रहेगा. उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स है विच आई सपोज दैट यू विल राइट. यू विल मेक अ पॉलिटिकल साइंस नोटबुक. हिस्ट्री के नोटबुक में पार्ट करा था भी चलेगा. और तुम उसके अंदर ये क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे जो टेक्स्ट बुक के पीछे के में दिए हुए एक्सरसाइज के अंदर, जिसमें से मैं ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कस कर लूंगा. बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स है यू हैव टू फाइंड दैट एंड यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर. सो हम आज का टॉपिक चालू करेंगे. तो आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट कोल्ड वॉर वॉर वर्ल्ड. मतलब कोल्ड वॉर जो 1991 में जो खत्म हुआ था उसके बाद जो कुछ चेंजेस आए थे, जो कुछ डेवलपमेंट हुए थे, हम सब इस पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे. सो द कोल्ड वॉर, या से पढ़ रहा हूं मैं, द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड विद द इंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन व्हिच टिल देन हैड बीन सुपर पावर. अब सोवियत यूनियन, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा. आई गेस मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को. ओके, न्यू टैब वाली स्क्रीन दिख रही है. अब मैं वर्ल्ड मैप आपको शो करूंगा. वर्ल्ड मैप. ओके, वर्ल्ड मैप मैं शो करूंगा. वर्ल्ड मैप में आपको आई गेस मेरा कर्सर दिख रहा होगा. मैं क्या काम करता हूँ, डाउनलोड ही कर लेता हूँ वर्ल्ड मैप को. ये है वर्ल्ड मैप, मैंने डाउनलोड किया है वर्ल्ड मैप. सो जो इतना रीजन है ये यहां से लेके ये जो दिख रहा है कोई डिफरेंट कलर में, ग्रीमिश कलर में जो दिख रहा है, मैंने रेडिश कलर का इंसर्कल करा है. तो वो है सोवियत यूनियन का. वो है सोवियत यूनियन. अभी आपको सोवियत यूनियन कहाँ पे ये बता दिख रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को. वेयर वॉज सोवियत यूनियन और रशिया कौन से पार्ट को बोलते हैं. सो हमारा वर्ल्ड मैप मैंने डाउनलोड किया था यहां से. ओके, सो अभी यहां से हम पढ़ रहे थे द कोल्ड वॉर केम टू एन एंड विद द सोवियत यूनियन. आप लोगों को सोवियत यूनियन क्या है समझ गया. विच टिल देन हैड बीन अ सुपर पावर. वो क्या था, सोवियत यूनियन ये सुपर पावर था, मतलब पावरफुल कंट्री वो आर्म्स वगैरह वैसे करता. उसके लाइन में दूसरे वाले कंट्रीज जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं. एज अ रिजल्ट मेजर चेंजेस टू प्लेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. फॉर एग्जांपल अभी उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका रिमेंड द ओनली सुपर पावर. अब सोवियत यूनियन तो डिसइंटीग्रेट हो गया, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया. तो सिर्फ बचा कौन सा खिलाड़ी, अमेरिका ही बचा. तो अमेरिका ही सुपर पावर बच गया था. उसके बाद कंड्यूसिव एटमोस्फियर, मतलब कंड्यूसिव होता है फ्रेंडली, आप लिख लो कंड्यूसिव एटमोस्फियर. कंड्यूसिव बोलते फ्रेंडली प्रिवेल फॉर द ग्रोथ इन द ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स रिलेशन बिटवीन ट्रेड रिलेशन बिटवीन एंड अमंग नेशंस. मतलब एक आपने इंटरडिपेंडेंसी का पॉइंट देखा था स्टार्टिंग में, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है. आप ये समझो कि क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ये अमेरिका के साइड में था, तो पहले इंडिया और इंडिया ये नॉन अलायंट था. तो पाकिस्तान ये अमेरिका का सपोर्टर था तो, और इंडिया नॉन अलायंट था, तो इंडिया का ऑफकोर्स एनिमिटी आ गई थी अमेरिकन कंट्रीज में और इंडिया के बीच में. तो पाकिस्तान पहले ट्रेड नहीं कर रहा था, पर कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, अमेरिका सिर्फ सुपर पावर बचा, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रेड होने लग गया या अदर कंट्रीज के बीच में भी. प्रिवेल द ग्रोथ इन द ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स रिलेशन बिटवीन एंड अमंग नेशन.
कैपिटल लेबर मार्केट इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटेड, मतलब अभी सर्कुलेशन होने लगा, फ्री फ्लो सर्कुलेट होने लग गया, जो अमेरिका को सपोर्ट करते थे, जो रशिया को भी सपोर्ट करते थे, जो नॉन अलाइन भी होते थे, उन सबके बीच में ट्रेड होने लग गया. As all the nation of the world decided to give priority to trade relation, the idea of giving aid, matlab help, to other nation fell behind. अब aid को अगर अच्छे से explain किया जाए, suppose for example अभी कोई particular class का student है, suppose 10th का student है, अभी 10th का student है, तो अगर दूसरे class के बच्चे ने या 9th या 8 के स्टूडेंट ने कुछ कह दिया उसे, तो हम लोग कैसे सपोज उसके सपोर्ट में जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ही इज पर्टिकुलर ऑफ आवर क्लास. सो वैसे अगर सपोज पाकिस्तान ने दुश्मनी ली तो अमेरिका उसके सपोर्ट में आएगा, ऐसी काइंड की हेल्प ये बंद हो गई थी, ये पीछे हेल्प हो गए थे, अभी खुद को खुद की हेल्प करना पड़ेगी. स्वावलंबी बनो. इंस्टेड एफर्ट बिगेन टू बी मेड टू एस्टेब्लिश economic relations. The description of a country which was opposed to another has now changed from enemy nation to rival nation. मतलब enemy nation जो दुश्मन country, जैसे अमेरिका और रशिया में भी ट्रेड होता होगा, अभी पहले ये कोल्ड वॉर के पहले से पॉसिबल नहीं था, पहले ये दोनों एनिमी नेशन थे, अभी क्या हो गया, राइवल हो गए मार्केट में. अभी अमेरिका और रशिया दोनों इंडिया में आके बिजनेस करते, तो अभी कैसे हो गए, उनके बीच में राइवलरी हो गई. Then responsibility of the United Nation has increased. United Nation की अभी responsibility increase हो गई. जैसे free trade रहा, free market रहा, पहले तो सिर्फ उतना देखना कि एक दूसरे से लड़ाई ना कर बैठे अमेरिका और रशिया या दूसरे कंट्री, पर अभी वो देखना नहीं है. अभी वो भी देखना है कि लड़ाई ना कर बैठे, ये भी देखना है, और प्लस ट्रेड में कुछ फ्री फेयर या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, ये भी देखना है, और दूसरे कंट्रीज को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी भी मिले, वो भी देखना है अमेरिका को. As in this, the United Nation now has to make more concrete steps to maintain global peace and security. Okay. Environmental protection, for fostering of human rights, gender equality, and management of natural calamities now acquire a global dimension. अब यहाँ पे fostering इसका meaning हुआ है encouraging. आप लोग लिख लीजिए encouraging इसके ऊपर, fostering के ऊपर. अभी ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ये टाइम एंड अगेन ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने कि ग्लोबलाइजेशन, मैं भी पूछूंगा, बाद में भी पूछा जाएगा आपको ग्लोबलाइजेशन ये कंसेप्ट क्या है. सो ग्लोबलाइजेशन इन द नटसेल, मैंने आपको हर टाइम बोला है कि एप्पल आईफोन ये अमेरिका में बनता है, चाइना में इसका मैन्युफैक्चर होता है, या इंडिया में होता है, चाइना में मैन्युफैक्चर होगा, और फिर बाद में इंडिया में ये बेचता है. ये जो पॉलिसीज है, रिलैक्सेशन इज ट्रेड, ये होता है ग्लोबलाइजेशन. अभी सेकंड एग्जांपल, मैं ट्यूशन लेता हूँ, मैं क्लासेस लेता हूँ, तो मैं अगर क्लासेस लेता हूँ तो अमेरिका, दुबई या चाइना, ये सब जगह के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ, तो इसे बोलता है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोब हैज बिकम अ वन सिंगल विजिट. ये जूम ऐप है, ये जूम ऐप पे चालू है, जूम ऐप ये अमेरिकन है, चाइना में इसका प्रोडक्शन होता है, जूम ऐप का चाइना में एम्प्लॉयज है इसके, और इंडिया में आज हम क्लासेस ले रहे हैं या लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ये जूम ऐप की मदद से, तो इसे कहा जाएगा ग्लोबलाइजेशन का नतीजा ही, पहले ये पॉसिबल नहीं था. आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन कंट्रीज बिकम मोर ओपन. एज बीन मेंशन्ड बिफोर, कैपिटल लेबर मार्केट एंड इंफॉर्मेशन बिगेन सर्कुलेटिंग ग्लोबली. द गिव एंड टेक ऑफ आइडियाज अमंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रू. ड्यू टू द रिवोल्यूशन इन द इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डिफरेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट बिगेन टू बी known everywhere. The boundaries between nation did not remain a sacrosanct. अभी आपको ये sacrosanct बोले तो अभी important नहीं रहे थे boundaries कोई भी country के. पहले importance दिया जाता था boundaries के, तो जैसे इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया अगर boundary के वो side चले गया या पाकिस्तान boundary के ये side चले गया, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती थी. तो अभी इतना importance नहीं दिया जाने लग गया boundary को, इसको बोलते sacrosanct, not giving importance as they were before. All these processes are together called globalization. ये सब procedure को, process को बोला जाता है globalization. इस चीज को मैं highlight कर दूंगा. Just as globalization has brought us benefit, it also caused losses. For example, as the economics of different countries got linked with each other, trade increased, economic unification grew. Plenty of products became available in the markets.
बट एट द सेम टाइम द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर नेशंस डिड नॉट रिड्यूस, मतलब गैप ये कम नहीं हुआ ग्लोबलाइजेशन के, रिच और रिच होते गए ग्लोबलाइजेशन की वजह से और पुअर कंट्रीज और पुअर होते गए ग्लोबलाइजेशन के वजह से. डेवलप फ्रॉम 1949. अभी इतना वाला जो पार्ट है इसमें मेंशन करा है उसके ड्रॉबैक्स, इसलिए मैं ग्रीन देता हूँ. ग्रीन की जगह दूसरा कलर दे देता है, मतलब आपको समझेगा. ग्रीन मतलब पॉजिटिव साइड माना जाता है, इसको रेड दे डालता मैं. ओके और मार्केट एंड इंफॉर्मेशन बिगेन सर्कुलेटिंग. अब इतना वाला पार्ट को मैं जो बेनिफिट्स है मेरिट से ग्लोबलाइजेशन की इसको ये कर दिया है. सो इन दिस अभी चैप्टर खत्म हो गया. In this chapter, we studied the global development from 1945 onwards. We understood the world in Cold War period. Cold War period में world कैसे था? Restriction in policy, the arms race and efforts to disarmament. Disarmament क्यों कहा गया था? क्योंकि सब जैसे अमेरिका और रशिया जो सुपर पावर थे वो आर्म्स रखने लग गए और फिर मालूम पड़ा ये आर्म्स वर्ल्ड पीस के लिए धोखादायक है, इसलिए उन्होंने डिसआर्मामेंट करने का फैसला लिया था. वी ऑल्सो लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन क्या रहता है ये भी हमने पढ़ा था. इन दिस चैप्टर वी इन द नेक्स्ट चैप्टर सॉरी वी शैल स्टडी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. अभी नेक्स्ट में क्या है? फाइंड आउट एंड पार्टिसिपेट. फाइंड आउट अबाउट द टू ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट. एक एनवायरमेंट को जो प्रोटेक्ट करते हैं दो ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी फाइंड आउट करना है. इफ यू एग्री विद दिस ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट अबाउट द अपॉर्चुनिटी एंड एंड इन सम ऑफ द एक्टिव ऑफ द एक्टिविटीज. तो यहाँ पे मैंने विकिपीडिया निकाली है तो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल लेवल में एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वही पूछा है ना. ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट यही पूछा गया था तो उसकी लिस्ट निकाली है मैंने. सो ग्लोबल लेवल पे अर्थ सिस्टम गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, फ्राइडे फॉर फ्यूचर एंड स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट, ग्लोबल ग्रीन ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन, एनवायरमेंटल, ये सब चीजें है. सो ये सब चीजें आपको इसमें लिखना है ये वाले क्वेश्चन के लिए. ओके एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं हम लोग. पहला वाला है फर्स्ट है चूज द राइट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस. फर्स्ट वन द सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट. सोवरेन का मीनिंग है टेकिंग इट्स डिसीजन बाय इटसेल्फ अलोन, इसको बोला जाता है सोवरेन डिसीजन. तो ए है पॉलिटिकल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, सोशल सिस्टम, नन ऑफ दिस. अब ये सो यहाँ पे वो आंसर है अ सिस्टम ऑफ ऑल दिस इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया है. ओके सिस्टम ये पहला वाला हो गया, इसे इंटरनेशनल सिस्टम बोला जाएगा. अभी नेक्स्ट वाला द कोल्ड वॉर एंडेड विद द इवेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ये नहीं, ये रॉन्ग आंसर. डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन ये वाला राइट ऑप्शन है. इसमें क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, क्यूबन मिसाइल. अब क्यूबन के बारे में पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है. एक्सप्लेन विद रीजन वेदर द स्टॉलिंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. द लीग ऑफ नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द फर्स्ट कोल्ड वॉर. ये फॉल्स वाला फॉल्स है तो तुम्हारे रीजन देना पड़ेगा. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद लीग ऑफ नेशन ये एस्टैब्लिश हुई थी. द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर ड्यू टू कोल्ड वॉर. यूनिपोलर ड्यू टू कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के वजह से. ये भी फॉल्स है. कोल्ड वॉर के वजह से वर्ल्ड बायपोलर हुआ था और बायपोलर का तुम्हें मीनिंग लिखना है इसमें. बायपोलर मतलब क्या? द पॉलिसी ऑफ मिखालजी गोर्बाचेव गेव एन इम्पेटस टू डेमोक्रेटाइजेशन. अभी ये चीज तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ था. देन प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन मिखालजी पॉलिसीज ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब रिस्ट्रक्चरिंग की पॉलिसी है उनकी. और एंड ग्लासनॉट ओपननेस की पॉलिसी. इसमें कहीं भी आपको डेमोक्रेटाइजेशन नहीं आया तो इसका मतलब आंसर क्या है? फॉल्स है इसका आंसर. ओके ये वाला आएगा फॉल्स वाला है. अभी एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट. कोल्ड वॉर है उसके अंदर नॉन अलाइन मूवमेंट, इंटरडिपेंडेंस,
एक कंसेप्ट है बाइपोलराइजेशन मिल जाएगा आपको, ग्लोबलाइजेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. गिव योर ओपिनियन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, क्या ओपिनियन है आपके. What measure should have League of Nations taken? अब ये personal response type question से have taken to avoid a second world war. Second world, but personal response type question है पर with reference to the passage तुम्हें लिखना है. Passage के अंदर इसका है non-aligned movement was necessary during the Cold War. Okay, एक मतलब super power बन रहे थे और सब देश अगर एक के पीछे एक मतलब ऐसी बढ़ गए तो उसके वजह से war फिर से छिड़ सकती है, इसलिए non-aligned movement जरूरी था. और कौन से कंट्री थे वो भी उसका भी नाम लिखना है. ह्यूमन वेलफेयर वॉज निग्लेक्टेड ड्यू टू द कोल्ड वॉर, मतलब ह्यूमन वेलफेयर कैसे एक दूसरे के पीछे खड़े थे ना. सपोज इंडिया का कोई पर्सन है, इंडिया तो रशिया की साइड भी नहीं है और अमेरिका की साइड भी नहीं है, तो इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं उनका जो वेलफेयर है वो कोई सोच ही नहीं रहा था उसके बारे में, इसलिए ह्यूमन वेलफेयर निग्लेक्ट हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम पे. Which countries came up as the superpower as the competitor to America in the present time? कौन सी country है जिसे जो superpower as a present time, ये तुम्हें लिखना है. इसके अंदर नहीं मिलेगा तुम्हें, इंटरनेट पे ढूंढ के मिल जाएगा वो आंसर. Write brief answer. Compare the First World War and Second World War with the help of following points. Period. First World War का period क्या है और Second World War का period क्या है. First World War अभी कहाँ पे मिलेगा वो आंसर World War के इसमें. Okay. First World War पीरियड दिया है क्या 1914 से 1919, वो तो मुझे पता है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पैराग्राफ दिया है. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर है 1939 से लेके 1945, ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा. अभी सेकेंड क्वेश्चन है इन्वॉल्व नेशन. अभी इन्वॉल्व नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैंने फिर से देखा नहीं उसका. ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नेशन इतना ये मिलेगा इसमें, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इन्वॉल्व नेशन थे वो आपको इस वाले ब्रैकेट में मिल जाएंगे. यू हैव टू राइट डाउन दिस थिंग. अभी इम्पैक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स, वही पैराग्राफ है फिर से. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन है या फिर यूनाइटेड नेशंस है, ये आपको लिखना है. व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कोल्ड वॉर के एंड होने में. व्हाट मेजर चैलेंजेस ऑकर्ड इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, तो ये रेड वाला जो मैंने मार्क करा है ग्लोबलाइजेशन का, ये इसमें लिख सकते हैं बस थोड़ा सा. और ये प्रोजेक्ट है एक्सप्लेन विद एग्जांपल हाउ डिफरेंट नेशन इन द वर्ल्ड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इंटरडिपेंडेंसी का पॉइंट है, प्रोजेक्ट है ये. ये प्रोजेक्ट तो नोटबुक में नहीं करना है तुम्हें. डिस्कस इन योर क्लास व्हाट व्हाट यू इंटेंडेड टू इनकल्केट द आइडिया ऑफ वासुदेव कुटुंब इन द सोसाइटी. सोसाइटी में वासुदेव कुटुंब ये आपको इनकल्केट करना है, तो उसके बारे में क्या लिखेंगे, क्या करेंगे आप. तो इसके साथ हमारा चैप्टर एंड होता है और सेकंड चैप्टर है इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके बाय.